नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी और छत्तीसगढ़ से दीपक बैज मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि हमने अडानी महाघोटाले के संदर्भ में जेपीसी की मांग को दोहराया है। जिस तरीके से नए खुलासे आए हैं, ये और भी जरूरी हो गया है कि जेपीसी का गठन हो, साथ ही जातिगत जनगणना कराई जाए। एक जेपीसी की मांग हमने दोहराया है अडानी महाघोटाले के संदर्भ में। एक साल से हम मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उस और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जिस पर बातचीत हुई राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान।